हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने मोटोरोला एज 40 का फ़ोन लिया था और आज मैं इसका जो न्यू फीचर्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ साथ इसका जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ओपन करने से आपको गूगल का डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो है वो दिखा। तो यहाँ पर मैं क्या क्या चेंजेस कर, इसमें एक नया चीज़ ऐड किया है जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। यहाँ पर 3 स्टाइल का आपका एनिमेशन देगा, आपको अपने हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और जो कि मुझे बहुत एक कूल फीचर्स लगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्लॉक का डिज़ाइन आएगा, आप अपने हिसाब से अपना क्लॉक का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको सेटिंग्स में लगा सकते हैं। एज 40 में एक नया फीचर्स आया है, एज लाइट। जब भी आपको नोटिफिकेशन, कॉल या फिर अलार्म बजे तो ये लाइट आपको ब्लिंक करेगा और अपने हिसाब से आप इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। विजेट्स को यहाँ पर थोड़ा इन्हेंस किया गया है। पहले क्लॉक के लिए सिर्फ विजेट्स अवेलेबल था, अभी दूसरे फीचर्स के लिए भी अवेलेबल है। Thank you.
हम जा रहे हैं मोबाइल और इंटरनेट में, यहाँ पर आपको दो सिम कनेक्शन देगा, एक फिज़िकली आपको कनेक्शन देगा और एक है ई सिम का अवेलेबल। फिजिकली जो कनेक्शन देगा इसमें आपका 5G का मोड है, 5G मोड में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो ई सिम अवेलेबल है ई सिम के लिए, ये एक नया फीचर्स है इंडिया के लिए, और आपका कस्टमर केयर को फ़ोन करके, जियो में अवेलेबल है, कस्टमर केयर को फ़ोन करके आप ई सिम को एक्टिव कर सकते हैं। अब जाएंगे मोबाइल का कैमरे में। बैक साइड कैमरा जो है 52 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल है, फ्रंट आपको यहाँ पर देगा 32 मेगापिक्सल। तो कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर बहुत काफ़ी अच्छा है, वीडियो क्वालिटी से भी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए और वीडियो एंजॉय कीजिए।
Thank you.